नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आज रानी झांसी का जन्मोत्सव है और आप देख सकते हैं कि रानी झांसी के जन्मोत्सव को लेकर आज झांसी में भव्य शोभा यात्रा निकालने के साथ दीपांजलि कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। जगह जगह आज रानी झांसी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम हुए हैं। मार्केट संवाद लगातार पूरी कवरेज आपको दिखाया रहा है और कई सारी हमने वीडियोज आपको डाली हैं। फिलहाल हम आपको आज झांसी की कोरोना के अपडेट बताते हैं। आज झांसी में 3,364 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 62 यानी 62 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इस प्रकार अब झांसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 382 हो गई है। हालांकि राहत यह है कि किसी की मौत नहीं हुई है, मरने वालों का आंकड़ा 171 पर ही टिका हुआ है। आज 46 लोग ठीक हुए हैं, 7,162 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। 6 लोगों को होम आइसोलेशन के लिए भेजा गया है। इस प्रकार 1,343 लोग झांसी में होम आइसोलेशन पर हैं। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब बस मात्र 12 कम रह गया है, 10,000 हो जाएगा, यानी कि 9,088 पर है। इधर रिकवरी रेट भी थोड़ा सा लगातार गिर रहा है, आज यह 93.91% पर आ गया है। फिलहाल हम आपसे लगातार आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि कोरोना जिस प्रकार से संक्रमित है और जिस प्रकार की परिस्थितियां, उसमें हमें कहीं ना कहीं सजग रहना होगा। फिलहाल आज झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर कई सारे कार्यक्रम आयोजित हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पृथ्वीराज आदित्य के नेतृत्व में आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और याद किया। इस अवसर पर प्रदीप जैन ने कहा कि हमें रानी झांसी और इंदिरा गांधी के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि यह महान प्रतिमाएं हैं। फिलहाल मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।